ये क्या, मेरी बेरीज फिर से गायब। अब मैं क्या करूँगी, कितनी मेहनत से इकट्ठा करती हूँ, इस ननी सी जान का काम और बढ़ गया। हो सकता है तुमने कहीं और रख दी हो इक्की, जरा याद करो। मुझे अच्छे से याद है, कल रात को बाहर निकलने से पहले मैंने यही रखी थी और किसी को इस बारे में पता नहीं था। तुम ऐसा नहीं कह सकती इक्की, मुझे पता था क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी और मैंने सुना था तुम राणा और रिक्की से भी इस बारे में बात कर रही थी। हाँ, एक आध जानवर को बताया था, पर सिर्फ एक आधा, और वो ये काम नहीं कर सकते। अगर मुझसे पूछो तो ये काम लगता है किसी चोर का, ऐसा चोर जिसके अंदर लालच भी भरा है। क्या कहा, चोर? हाँ? चलो हम सुराग ढूंढते हैं। अरे ये देखो, ये तो बेरी का रस है। हाँ। तुम्हारा क्या कहना है बलू? ये तो एक भालू ने किया है, मतलब चोर एक भालू है, एक बड़ा भारी भालू। एक भालू, सच्ची? घबराओ मत की, हम उस लालची भालू को ढूंढेंगे और सबक भी सिखाएंगे। पर हमें सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इतना बड़ा भालू खतरनाक होगा। मेरे पास एक प्लान है। एकी, तुम किसी सुरक्षित जगह जाकर छुप जाओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अच्छा जाल बिछाया है मोगली। अब देखना, आने दो उस लालची भालू को, यही फंस जाएगा चोर कहीं का। देखना मुझे मत पकड़ लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, सोना मत बलू, क्योंकि भालू पकड़ने के बाद हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, बस आवाज लगा देना। मोगली, उठो ना, शायद कोई आ रहा है। लगता है वही चोर है। अरे नहीं, ये तो अपना बलू है, लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है? सुनो बलू, क्या कर रहे हो तुम? नींद ही नहीं आ रही है, जाकर देखती हूँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है या नहीं। तुम दोनों वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हें सब बताएंगे कि। और वो बलू कहाँ है? उसे मेरी बेरीज की हिफाजत करनी थी। हाँ, वो चोर के पीछे गया है। और मेरी बाकी की बेरीज कहाँ है? फिर से गायब? नहीं, मैं तो फिर से लुट गई। तुम्हें बेरीज वापस चाहिए तो हमें यहाँ से नीचे तो उतारो की। हाँ ठीक है ठीक है। माफ करना बघीरा, चलो अब चलते हैं। देखो वो रहा बलू। बलू, हे बलू, तुम इक्की की बेरीज कहाँ ले जा रहे हो? एक तो चोरी की, ऊपर से अकड़ भी रहे हो। मुझे बलू होश में नहीं लग रहा। हेलो बलू, लगता है बलू नींद में है। इसका मतलब ये नींद में चल रहा है? हमें उसे जगाना होगा बघीरा, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। अरे नहीं, वो नदी की तरफ जा रहा है। ओ,
बहुत अच्छे बघीरा। किसने हिम्मत की मुझे जगाने की? तुमने इंसानी बच्चे? नहीं नहीं का, मैं नहीं हूँ। तुम सपना देख रहे हो का? सच में मुझे भी लगा था मैं सो रहा हूँ। हाँ। जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा। ये लो इन पके हुए केलों की खुशबू लो बलू। मोगली पकड़े रहना, जल्दी ऊपर जाओ बघीरा। बाल बाल बचे, शुक्रिया बघीरा। पर बल्लू कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया। हैं? जरा वहाँ ऊपर तो देखो मोगली। ये बलू भी ना, हमें उसे रोकना होगा। चलो। बलू! तुम उस तरफ से जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। मोगली, जल्दी बलू, मेरी टूट रही है। हम इतनी रात में इन खंडरों में क्या कर रहे हैं? तुम ठीक तो हो ना बल्लू? मुझे क्या होगा, पर लगता है मोगली पूरी रात नहीं सोया। बताओ पूरी रात कहाँ घूम रहे थे? मुझे यहाँ ढेर सारी बेरीज मिली हैं। बेरीज? क्या वो चोर मिला जिसने इक्की की बेरीज चुराई थी? हाँ मिला ना बल्लू, वो चोर तुम ही हो। मैं? ये कैसा मजाक है? इतनी रात को बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला? बघीरा सच कह रहा है बलू, तुम तो अपनी नींद में ही चले जा रहे थे और इक्की की बेरीज यहाँ ले आए। ये नहीं हो सकता, पर कैसे? लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही बेरीज खा ली थी। क्या बात है, देखो तो ऐसा भी होता है। हमने उस चोर को पकड़ लिया और देखो तुम्हारी सारी बेरीज वापस ले आई की। वाह मजा आ गया, पर उस चोर के बच्चे का क्या किया? वो तो बेवकूफ भालू था, उसे पता ही नहीं चला कि वो चोरी कर रहा था। एक बार मेरे पापा मछली पकड़ रहे थे, तुम सुन रहे हो ना मोगली? हाँ बलू। कहाँ था मैं?
अरे हाँ, तमाम कोशिशों के बावजूद पूरी मेहनत करने पर भी अगर आपको रास्ता ना दिखे तो सो जाए? नहीं, कभी नहीं। मैंने तुम्हें ऐसी सीख दी। बलू, थोड़ी देर बक बक बंद करोगे? मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे पापा को 5 दिनों तक एक भी मछली नहीं दिखी, पर छठे दिन। बल्लू, जाओ पानी में डुबकी लगा कराओ। तुम्हें मेरी कहानी पसंद नहीं? पसंद है, पर हर रोज नहीं बल्लू। चलो दोस्तों, ड्राइविंग कंपटीशन करते हैं। देखो मोगली, मुझे पानी में जाने से बहुत नफरत है। तुमने तो पहले ही हार मान ली बघीरा। मैं तो जा रहा हूँ। ये मैं गया। ज्यादा दूर मत जाना मोगली। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बारी बलू। क्या छलांग थी, फुल पॉइंट मिले ना। मोगली मोगली, ये मोगली भी ना, जरूर कोई नई शरारत होगी। घबराना मत मोगली, मैं आ रहा हूँ। ज्यादा हिम्मत इंसानी बच्चे, चोट कम लगेगी। बघीरा! मोगली! बघीरा! बघीरा! मोगली! ओ मोगली, बघीरा भी डूब गया। बलू, मोगली कहाँ है, कहीं वो? अरे नहीं, वो जिंदा है, पर वो दलदल की तरफ गया है। हमें जल्दी जाना होगा। आज मुझे रोकना मत बघीरा, मैं उस मगरमच्छ के बच्चे को निचोड़ कर रख दूंगा, उसके दांत निकाल कर बूढ़ा बना दूंगा उसे। हम दलदल में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम वहाँ बुरी तरह फंस जाएंगे। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। हमें एक प्लान चाहिए। किसी की मदद बलू। तुम मुझे खाने वाले हो क्या? नहीं, पता नहीं सब ऐसा क्यों सोचते हैं कि मगरमच्छ इंसान खाते हैं। पूरी दुनिया में मैं ऐसे ही बदनाम हूँ। तुम शायद खाते हो इसलिए बदनाम हो। पर आज नहीं, आज तो तुम मेरे खास मेहमान हो। मैंने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम क्या? किया है। खाना? जल्दी जाओ और जल्दी आओ बघीरा। हाँ पूरी कोशिश करूंगा। और याद रहे बलू, वो जकाला कुछ भी कहे, दल दल में बिल्कुल मत जाना। अपने घर का मजा ही अलग है। तुमने तो कहा था मेरे लिए खाना बनाया है। बिल्कुल बनाया है। ओह, बताना भूल गया, वो खाना तुम हो। पर तुमने तो कहा था तुम मुझे खाओगे नहीं। हाँ किया था, पर मेरे मेहमान तो खा सकते हैं ना। मेरे 5 बेटे, उन्हें जिंदा शिकार पकड़ने की प्रैक्टिस करवानी है। ओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज मोगली को कुछ हो गया तो मैं। ये कीचड़ कितना चिपचिपा होता है ना। ओह, बच्चों से मिलवाना तो भूल ही गया। ये है बाइटर, मेरा बड़ा बेटा, ग्रैबा, चौंपा, गजल गस्ट्स, और ये है कॉलिन, सबसे छुटकू। मोगली, मोगली, तुम ठीक तो हो? यहाँ
फंस गया हूँ। चकाला मुझे यहाँ बच्चों के शिकार प्रैक्टिस के लिए लाया है। अच्छा, इसके बदले मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ, पता है मेरी मोटी चमड़ी बहुत काम आती है, पर तुम्हारे नहीं आएगी। काम नहीं आएगी? एक बार हाथ तो आ जाए, तेरी इतनी धुलाई करूंगा, चमड़ी ही साफ कर दूंगा। हाँ तो ठीक है, आ जाओ मैदान में, खेल शुरू करते हैं। रुक जाओ बलू, कीचड़ में मत आना। ये तुमने गलत किया जकाला, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे कोई सजा नहीं देता, कोई पैदा ही नहीं हुआ। फिक्र मत करो, बघीरा आता ही होगा। और जब कोई होगा तो उस पर मैं कहानी लिख दूंगा। अच्छा, कहानी है? अरे बलू, तुमने एक कहानी सुनाई थी ना, जिसमें मगरमच्छ के पास छोटे बच्चे होते हैं। कौन सी? अरे भूल गए, एक बार की बात थी। एक दलदल में पांच मगरमच्छ रहते थे और उनके नाम थे बाइटर, ग्राबा, चौंपा, गजलगज और कॉलिन। फिर आगे क्या हुआ था बलू? हाँ हाँ, याद आ गई वो कहानी। उनमें से एक बच्चा बड़ा तेज था और एक तो बहुत सीधा साधा था। वो तो तुम होंगे चंपा। इनकी मत सुनो बच्चों। चलो तुम्हारा शिकार का लेसन शुरू किया जाए। नहीं, हमें कहानी सुननी है। जो हमारे कहानी सुननी है। चलो चलो कहानी सुनाओ। तो ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चों, कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चों कहाँ जा रहे हो? ठीक है तो मैं शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, छोटू कॉलिन को बहुत भूख लगी थी। तो वो कहता है चलो मछली पकड़ने जाते हैं। वो तैरते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और फिर रास्ते में वो देखता है कि वो सिर्फ चार ही बचे हैं, फिर तीन और फिर दो और फिर वो अकेला। आखिर हुआ क्या था? हम कहाँ चले गए थे? बस बस करो, बहुत हुआ कहानी कहानी, चलो वापस आओ बच्चों। थोड़ा सा उसके बाद लेसन लेंगे प्लीज। सिर्फ दो मिनट लेना, फिर हम काम पे चलेंगे। पर उस पानी में रहता था एक बड़े बाल वाला भूखा शैतान, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। और तेज धार वाले दांत। बहुत हुआ, चलो ट्रेनिंग शुरू करो, अभी आओ तुम लोग। आगे बढ़ो और एक बार में ही इसका सफाया कर दो, एक हड्डी भी मत छोगली। बचो ध्यान से। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो आना ही था ना मोगली मेरे दोस्त, चलो ऊपर आ जाओ। अभी आता हूँ दोस्त के बच्चे। बड़े इतरा रहे हो जकाला। थोड़ा आगे आओ। कोशिश कर रहा हूँ। ये पकड़ो हाथी। वाह क्या बात है मोगली। पापा, वो शैतान कहाँ चला गया? और आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं पापा? अगले बार इंद्राणी बच्चे तुझे मैं ही खाऊंगा। शुक्रिया हाथी। दोस्ती में कैसा शुक्रिया। पर ये तो बताओ मोगली, तुमने इन मगरमच्छों को इतनी देर तक कैसे उलझाए रखा? उन्हें एक पकाओ कहानी सुनाकर। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कहानी पकाओ थी? क्योंकि मेरे टीचर ने सुनाई थी ना। आजकल के बच्चे पता नहीं बड़ों की इज्जत करना कब सीखेंगे। वैसे आज के दिन मैंने कुछ ज्यादा काम तो नहीं किया, पर शुरू ही कहा किया है।